रूस यूक्रेन युद्ध पिछले कई सालों से जारी है, जहां कभी रूसी सेना तो कभी यूक्रेनी सेना का पलड़ा भारी हुआ है। मगर साल 2024 की शुरुआत से ही रूस ने एक बार फिर जबरदस्त वापसी करते हुए यूक्रेन को कई मोर्चों पर हार का स्वाद चखाया है। इसी कड़ी में रूसी सेना ने एक बार फिर यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। रूस ने अपने जवाबी हमलों में तेजी दिखाते हुए यूक्रेनी सेना को उसी के इलाके से खदेड़ दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को इसका दावा किया। इसके मुताबिक रूसी सेना ने दोनेस्क के पूर्वी यूक्रेनी इलाके में सेमेनिवका गांव पर कब्जा जमा लिया है। रूस की ओर से यूक्रेनी इलाके पर हालिया कब्जा जेलेंस्की और उसके पश्चिमी देशों के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। सेमेनिवका ओचेरेटीन के पास नोवोबाखमुत्यूका के दक्षिण में स्थित है, जहां पिछले हफ्ते रूसी सेना ने बढ़त हासिल की थी, जिसके बाद वहां लड़ाई तेज हो गई थी। आखिरकार हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को ढेर कर रूस ने एक और क्षेत्रीय बढ़त हासिल की। रूसी रक्षा मंत्रालय की माने तो रूसी सेना की ओर से डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक के नोवोबाखमुत्यूका गांव पर नियंत्रण करने के बाद सफलता मिली है। इस दौरान करीब 380 यूक्रेनी सैनिकों और एक टैंक को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा रूसी सेनाओं ने 4 यूक्रेनी ब्रिगेड्स को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि रूस अवदिवका में जीत के बाद से और यूक्रेनी बॉर्डर्स के बिगड़ते हालातों के बीच रूसी सैनिक पूर्वी यूक्रेन और पश्चिमी डोनेस्क की ओर आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक रविवार को रूसी सेना ने यूक्रेन के माइकोलाइव में बनी सैनिक बस्ती पर हमला बोला था। बताया जाता है कि इसमें यूक्रेन की ओर से भाड़े पर लाए गए विदेशी लड़ाके तैनात थे। इस हमले में 14 सैनिक मारे गए जबकि 8 घायल हो गए। सेमेनिवका ओचेरेटीन के करीब है, जहां लड़ाई तेज हो गई है और इसका कुछ हिस्सा कथित तौर पर रूसी नियंत्रण में है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो रूस पिछले कई हफ्तों से मोर्चे पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। हाल के दिनों में रूसी सेना ने अमेरिकी हथियारों के आने से पहले इस कोशिश में तेजी ला दी है। बता दें कि मौजूदा हालातों में यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियारों की सख्त जरूरत है। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति इस बात को दोहरा चुके हैं कि पश्चिम से मिल रही मदद महज कागजी न रहकर जमीन पर भी दिखाई देने की जरूरत है। पश्चिम के देशों, खासतौर से अमेरिका को यूक्रेन की जल्द से जल्द सैन्य और आर्थिक मदद करने की बात कह चुके हैं। वहीं यूक्रेन के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिस्की भी फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की खराब हालत पर चिंता जता चुके हैं। वहीं नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग इस समय यूक्रेन के दौरे पर हैं, जिन्होंने कहा कि नेटो देशों ने यूक्रेन से जो वादा किया था उसे समय पर पूरा नहीं किया है, जिससे रूस को कई मोर्चों पर फायदा हुआ है। यूक्रेन के लिए समर्थन में गंभीर देरी का सीधा मतलब युद्ध के मैदान पर गंभीर नतीजा है। एयर डिफेंस की कमी ने ज्यादा रूसी मिसाइलों के लिए अपने टारगेट पर हमला करना आसान बना दिया है। साथ ही यूक्रेन की लंबी दूरी की मारक क्षमताओं की कमी ने रूस के लिए अधिक बलों को तैनात करना संभव बना दिया है।